अच्छा आपको पता हमने गलत जगह पे पार्क की है, आपकी वजह से काफी लोग सफर हो रहे हैं। तंगी हुई थी, हमने भी लगा दी। चौकी है कि बिल्कुल सामने एन ऐसे इंक्रोचमेंट थी जैसे कि वो पहाड़ लाके खड़ा किया हो किसी ने, एक पुलिस अफसर वो इंक्रोचमेंट खाली करा। आप एज अ इंचार्ज चौकी आप खाली अपनी अपने अपनी ठीक है जी। पहले आप अपना कह रहा हूँ, देख रहा हूँ, ठीक है ना, करवाएंगे इंशाल्लाह ताला इनको सब कुछ। नया पाकिस्तान, इमरान खान साहब एक मरतबा फिर, वेयर इज योर इंक्रोचमेंट ऑपरेशन? ये है ऑपरेशन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम इनकार के साथ मैं हूं अरसलान हैदर। नाज़रीन आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे इंक्रोचमेंट की। नाज़रीन याद रहे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट आते ही इमरान खान साहब ने एक मिशन का आगाज किया और उस मिशन का नाम था एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन। नाज़रीन इस ऑपरेशन में न सिर्फ लाहौर बल्कि पूरे पाकिस्तान के अंदर एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन किया गया, जिसमें न सिर्फ लोगों के घर दुकानें, यहां तक के लोगों की वो कब्रें भी मस्मार की गईं जो सरकारी अराजी पर थी, जो रिकॉर्ड याफ्ता नहीं थी। और नाज़रीन आज का इनकार मेरे महमूद असगर रामे भाई के प्रोग्राम का फोला भी समझे, जिन्होंने इस तजावजात के ऑपरेशन का आगाज किया था टाउनशिप मार्केट के अंदर। और आज फिर इनकार टीम मौजूद है टाउनशिप के अंदर में, तो यहाँ पर आपको दिखाएंगे क्या क्या वाकई ही एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन पूरा हो चुका है। क्या इमरान खान का वो दावा कि एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन जिसके तहत पूरे पाकिस्तान में तजावजात का सफाया कर दिया गया था, क्या वो इस वक्त पूरा हो चुका है? नाज़रीन आज आपको दिखाएंगे कि टाउनशिप मार्केट के अंदर तजावजात कैसे हो रही है और तजावजात किस हद तक हो रही है। हमारे ज़राए के मुताबिक तजावजात इस हद तक बढ़ चुकी है कि वहां पर गाड़ियों के गुजरने का रास्ता भी मौजूद नहीं है। चलेंगे टाउनशिप मार्केट, वहां पर विजिट करेंगे कि क्या एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन पाया तकमील तक पहुँचा है या नहीं। हमारे साथ रहिए। अजीब हालात से गुजरता हुआ हमारा ये इस्लामी जम्हूरिया पाकिस्तान, जहां मौजूदा दौर में इसको बहुत से मसाइल दरपेश हैं, वो मसाइल सियासी हों, समाजी हों, मुआशी हों या फिर कोई भी मुश्किल हो, बाबे पाकिस्तान को ज़रूर छू कर गुजरते हैं। नाज़रीन प्रोग्राम इनकार का मकसद हमेशा से यही रहा है कि जिसमें आम आदमी और आम आदमी के मसाइल की बात की जाए, और इसी अज़म को मद्देनजर रखते हुए आज इनकार टीम बात कर रही है पाकिस्तान के एक संगीन मसले पर, यानी तजावजात पर। नाज़रीन याद रहे मैं उन्हीं तजावजात की बात कर रहा हूँ जिसके खिलाफ हमारे वज़ीर आज़म इमरान खान ने बरसरे इक्तदार आते ही एक भरपूर ऑपरेशन का आगाज किया था, जिसको हुकूमत ने एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन या फिर तजावजात फ्री पाकिस्तान का नाम दिया था। मगर आज इनकार टीम पर्दाफाश करने जा रही है खान साहब के इस फर्जी और नाम निहाद ऑपरेशन का। जी हाँ, फर्जी और नाम निहाद ऑपरेशन, क्योंकि इस ऑपरेशन के आगाज में जो नारा लगाकर खान साहब ने इस ऑपरेशन का आगाज किया था वो ये था कि कोई भी शख्स जो अपने हक से तजावज करके बैठा है उसके खिलाफ भरपूर एक्शन लिया जाएगा। और इसी रूह के मुताबिक खान साहब ने फिर पूरे पाकिस्तान में एंटी इंक्रोचमेंट के नाम पर तोड़ फोड़ शुरू कर दी, और ना सिर्फ लोगों के घर, दुकानें, थड़े, चबूतरे, बिलबोर्ड्स, यहाँ तक के लोगों के प्यारों की उन कब्रों को भी मस्मार किया गया जो हुकूमत के मुताबिक सरकारी अराजी पर मौजूद थी। एक पल के लिए तो आप ये सोच रहे होंगे कि मैं इमरान खान साहब को क्यों इतना क्रिटिसाइज कर रहा हूँ, जबकि उन्होंने तो कोई नाजायज काम किया ही नहीं। तो मेरा फिर जवाब ये होगा कि अगर इस ऑपरेशन के बाद हालात वैसे ही हो जाते जैसे हालात का ख्वाब लेकर खान साहब ने इस ऑपरेशन का आगाज किया था, तो फिर आज मैं इमरान खान साहब के हक की बात कर रहा होता। मगर बदकिस्मती से तजावजात से पाक पाकिस्तान का ख्वाब जो खान साहब ने अपनी आंखों से देखा था, वो कुछ ही दिनों के बाद
चकनाचूर हो गया था, क्योंकि तजावजात दोबारा से वैसे ही मौजूद नजर आने लगी थी जैसे कि ऑपरेशन से पहले हम देखते थे। आज हम किसी भी शहर के किसी भी बाजार का रुख करें तो हमें तजावजात के अंबार नजर आते हैं, और अगर हम बात करें सड़कों, बाजारों, गलियों और चौराहों में मौजूद उन लोगों की जो ये तजावजात करके बैठे हैं, तो जब उनको उनकी गलती बताते हैं, उनको उनकी गलती समझाते हैं, तो या फिर जब उनको उनकी जोर जबरदस्ती का आईना दिखाते हैं, तो वो जरा बुरा मान जाते हैं और बात करने पर भड़क से जाते हैं। एक फल फ्रूट से लेकर एक दुकानदार तक जो भी तजावजात करके बैठा है, वो अपनी अपनी गलती मानने को तैयार ही नहीं और अपनी जिम्मेदारियों को निभाने से किनारा करता नजर आता है। हर कोई बहस, खिंचतानी और बदगुमानी का शिकार है, जिससे बात करने की कोशिश करे वही उकताया हुआ नजर आता है। और जहाँ पर अगर हम बात करें हुकूमत की फ्राइज की, तो हुकूमत के फ्राइज में से एक फर्ज ये भी है कि इस ऑपरेशन जैसे ऑपरेशन करने से पहले इनका हल जरूर निकालें, क्योंकि इस के छोटे से छोटे मसाइल भी अब हाथ से निकलते जा रहे हैं। कोई भी किसी की बात सुनने को तैयार तक नहीं। और अगर हम एक ठेलेबान से लेकर एक बड़े ताजर को भी तराशें, जांचें, परखें, तो हमें ये मालूम पड़ता है और कहानी का लुबे लुबाब ये निकलता है कि हुकूमत को चाहिए कि एक मुनज्जम जब्त कायम करे, ताकि इन लोगों में भी जिम्मेदारी निभाने का कोई मादा पैदा हो सके, जो इन पर फराइज हैं उन पर पूरा उतरने के भी वो पाबंद हो सके। और हुकूमत को भी चाहिए कि इनके लिए रोजगार के मौके पैदा करें, ताकि ये लोग तजावजात जैसे गुनाह के बारे में सोचना भी गवारा ना करें और कोई भी अपने हक से तजावज ना करे। और यहाँ पर मैं खान साहब को एक मर्तबा फिर से क्रिटिसाइज करना चाहूँगा, तनकीद का निशाना बनाना चाहूँगा कि खुदारा अपने ऑपरेशन करने से पहले इन लोगों के मसाइल का भी हल जरूर निकालें और इनको मौसर रोजगार फराहम करें, जो आपकी सिरे से जिम्मेदारी है। और प्रोग्राम में आपको ये भी दिखाएंगे कि पुलिस चौकी के सामने किस तरह से सरेआम तजावजात के अंबार और पहाड़ खड़े किए हुए थे, जो इनकार टीम की निशानदही पर बिल्कुल खाली करवा दिए गए। और जब इनकार टीम की बात पुलिस अफसरान से हुई, तो पुलिस अफसरान शायद हमें ये बताना चाह रही थी कि उनके फराइज में से ये फर्ज शामिल ही नहीं कि वो तजावजात को डील करें। मगर याद रहे कि पुलिस अफसरान के फराइज में से एक फर्ज ये भी है कि वो अपने इलाका में होने वाले तजावजात को जरूर हटवाएं और तजावजात करने वालों के खिलाफ भरपूर एक्शन भी लें। आपको पड़ा कि सड़क के ऊपर है, सड़क के ऊपर है आपका ये ठेला। आपको पता है आपका ये ठेला सड़क के ऊपर खड़ा हुआ है? ये ट्रक आ गया इसकी वजह खड़ा हुआ है। हाँ जी, ये ट्रक आ गया इसकी वजह खड़ा हुआ है। अंदर ट्रक खड़ा हुआ है, ट्रक तो पीछे खड़ा हुआ है, आप सड़क पे खड़े करके खड़े हुए हैं। यहाँ पे ट्रैफिक जाम होगी, यहाँ पे इंक्रोचमेंट शो, इसकी कौन जिम्मेदार है? इंक्रोचमेंट में आ रहा है ना ये, कौन जिम्मेदार है? जिम्मेदार हम 5-10 मिनट के लिए खड़ा होते हैं, फिर अंदर कर दे। ये आपके यहाँ पे मुस्तकिल अड्डे, यहाँ पे आपकी जगह पे कोई खड़े होते हैं? लेकिन मुस्तकिल आपके मुस्तकिल अड्डे वो अंदर कर दो ना भाई। ये ट्रक का, ट्रक ने तो अपनी जगह पे निकल जाएगा, ट्रक ने तो अपना सामान उतार के जाना, वो तो बिल्कुल राइट पे खड़ा होगा। आप गलत कर रहे हैं, जा रहे हैं ना, जा रहे हैं। चले ठीक है, इंक्रोचमेंट लगे, आप देख सकते हैं पूरी ट्रैफिक जाम किस तरह से है, हजारों की तादाद में रोज यहाँ पे हादसा हो रहे हैं। अभी देख सकते हैं आपके यहाँ पे इंक्रोचमेंट जो है, वो यहाँ पे ऑपरेशन तो किया गया, लेकिन अभी जो सूरत हाल है वो जून की टू है। इंक्रोचमेंट जो है आपके सामने है, वैसे ही ठेले लगे हुए हैं, वैसे ही यहाँ पे ट्रैफिक जैम है सर, आपके सामने देख सकते हैं। अभी वो कह रहा है कि जी मैं जा रहा हूँ, तो देखते हैं हम जाते हैं कि नहीं। हम इनको भिजवा के यहाँ छोड़ेंगे, क्योंकि ये है कि इम्प्लीमेंट जो है वो आवाम का जो इम्प्लीमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ डंडे के जोर पर होता है। आम रूटीन में भी ये लोग वैसे के वैसे जूं के तू ही रहेंगे और इंक्रोचमेंट वैसे ही रहेंगे। अच्छा खान साहब, आपने अभी यहाँ पे ठेला लगा लिया ना पीछे, अब आपको यहाँ पे कोई नहीं रोकेगा। आप ना तो आप इंक्रोचमेंट कर रहे हो, आप अपनी यहाँ पे इजीली रोजी कमा सकते हो, ना तो आपकी वजह से किसी को नुकसान होगा, ना किसी के नुकसान आपकी वजह से होगा, ठीक है? तो यहाँ पे आप खड़े हो, आपने बड़ा अच्छा काम किया है, हम आपके अप्रिशिएट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, माशाल्लाह सही अड्डा आपके। हाँ जी। अच्छा, आपको पता है ये सड़क के ऊपर रखा हुआ है आपने? हाँ जी। तो ये इंक्रोचमेंट में आ रहा है आपकी आपकी वजह से, देखिए कितने यहाँ पे ट्रैफिक के मसाइल पैदा हो रहे हैं, गलत कर रहे हैं ना। इतना ऑपरेशन हुआ, इतने लोगों के घर मसमार हुए, लेकिन फिर भी वैसे का वैसा, क्या मजा है? कुछ पैसे पूरे दे देते हो एलडीओ शेलडीओ, इसको क्या मतलब है? पैसे नहीं, वैसे ही सर। क्या आपको कुछ पूछता नहीं यहाँ पे? आते हैं वो, फिर क्या कहते हैं? हाँ जी, फिर क्या कहते हैं आप? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। आपको कहते हैं कि आपने लगाया व ना लगाया, बस चले जाते हैं? नहीं, आते हैं वो उठा भी आपका सामान उठा के लेके। हाँ, एक वापस कैसे लेते? भाई ने देने वाले भी गरीब बंदा ने चार गए। वापस कैसे लेते? हाँ, वापस कैसे लेते? पैसे दे, पैसे दे के। वो रिश्वत होती? पता नहीं सर, रिश्वत होती?
اور پھر بھی یہاں پہ لگا رہے ہیں. ناظرین کتنی شرم کی بات ہے کہ یہاں پہ ایل ڈی اے والے اور دیگر بلدیاتی ادارے جو ہیں ان کا سامان اٹھا کے لے جاتے ہیں, ان کے اڈے اٹھا کے لے جاتے ہیں, لیکن کچھ پیسوں کی خاطر, کچھ رشوت کی خاطر وہ اڈا وہاں پہ موجود ہے اور لوگ ویسے ہی سفر ہو رہے ہیں جیسے پہلے ہو رہے تھے. میں سوال کرتا ہوں حکمرانوں سے کہ کہاں پہ ہیں وہ تبدیلی, کہاں پہ وہ ہے اینٹی انکروچمنٹ آپریشن جو عمران خان صاحب کی طرف سے کیا گیا تھا. ویسے کہ ویسے یہاں پہ اڈے موجود ہیں, لوگ عوام جو ہے, عام عوام جو ہے وہ سفر ہو رہی ہے, لیکن کسی کی کان پر کوئی جوں تک نہیں رہی. آگے چلتے ہیں, مزید دیکھتے ہیں کہ آگے انکروچمنٹ کیوں ہے. السلام علیکم. کیا حال ہے سر؟ ارے نام کیا ہے سر آپ کا؟ عبدالغفور. آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو آپ کی ریڑھی ہے یہ سڑک کے اوپر کھڑی ہوئی ہے اور انکروچمنٹ کے اندر آپ سر کیا کرے, جو کمانی ہے نا. آپ تھوڑا سا پیچھے کس کو لگا سکتے ہیں؟ تھوڑا پیچھے جان کے ہوتی ہے نا نمازی رستہ رک جاتا ہے. نمازی رستہ آپ کی وجہ سے, نمازی رستہ رک جاتا ہے نا آپ کی وجہ سے. یہاں پہ کتنے لوگ سفر ہو رہے ہیں سامنے دیکھیں آپ, ٹریفک دیکھ رہا ہوں سر, جگہ تو بہت ہے. ہم آپ کو یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ نے یہاں پہ کیوں لگایا, آپ کیوں روزی کما رہے ہیں, ہم تو آپ کے ساتھ ہیں, آپ روزی کما رہے ہیں, ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ یار آپ کو اچھا روزگار مل رہا ہے, لیکن یہ ہے کہ ہم دیکھیں کہ ہماری وجہ سے, ہماری روزی کی وجہ سے عام عوام کتنی سفر ہو رہی ہے, عام عوام کو کتنی مشکلات کا سامنا. سر پریشانی کوئی نہیں ہے, لیکن ہے کہ رستہ جو رکشے وغیرہ اگر ہم نے یہ ریڈی ہماری پیچھے ہوتی تو یہ مسئلہ نہ پیدا ہوتا, بندہ کھڑا کرنے کا معاملہ ہی نہ پیش آئے. وہ آپ کی ٹھیک بات, ٹھیک ہے ریڈی پیچھے کر لیتے. السلام علیکم سر, کیا حال ہے؟ شکر اللہ کا بھائی. رکشے آپ کے ہیں؟ نہیں بھائی. کس کے رکشے؟ وہ بھائی ادھر باہر آ رہے ہیں. یہ رکشے والے یہاں پہ موجود نہیں ہیں؟ نہیں. رکشے والے یہاں پہ موجود نہیں ہیں لیکن رکشاز یہاں پہ موجود ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ رکشے موجود ہیں لیکن رکشہ والے یہاں پہ موجود نہیں ہیں. مطلب اس چیز کا یہ بنتا ہے کہ یہ رکشوں کا اڈا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں عام شاہراہ ہے لیکن رکشے یہاں پہ اڈے کی شکل میں موجود ہیں یہاں پہ, اور رکشے والے یہاں پہ موجود نہیں ہیں. رکشے والوں کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا رکشہ؟ جی سر. آپ کے پیچھے بھی دو رکشے کھڑے ہیں, سواری کے لیے آپ یہاں پہ سواری بٹھا رہے ہیں؟ اڈا تو نہیں ہے, اڈا تو نہیں ہے لیکن راستے میں کام پہ لگائے ہیں. پیچھے آپ کی ریڈی لگی ہوئی ہے وہ بھی تجاوزات میں آتی ہے. آگے آپ نے رکشہ لگایا, مجھے یہ بتائیں اگر کسی شہری نے گزرنا ہو تو کہاں سے گزرے؟ ہم نے دو منٹ کھڑا ہونا ہے بس جا رہے ہیں. ہر ایک دو منٹ جس سے پوچھا وہ کہہ رہے ہیں کہ میں دو منٹ کھڑا ہوں. دو منٹ کے لیے کھڑے ہوتے ہیں؟ دو منٹ کے اندر حادثہ ہو سکتا ہے. ہو سکتا ہے. کون ذمہ دار؟ یہ اڈا ہے نہیں بھائی, یہ اڈا ہے نہیں. نہیں یہ دکانداروں نے سبھی لگائے ہوئے, کرایہ لیتے ہیں ان لوگوں سے. دکاندار کرایہ لیتے ہیں؟ تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ ہم سڑک پہ آ کے یہ چیزیں نہ لگے ہم نیچے کھڑے ہو جائیں. یہ بھی بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے, یہ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. ادھر نیچے اگر نہیں بھی ہو نا جگہ تو وہ بھی نہیں. لیکن بیسک چیز یہ ہے کہ یہ رکشہ اڈا نہیں ہے, یہاں پہ رکشہ کھڑا نہیں کر سکتے. ٹریفک قوانین میں یہ شامل نہیں ہے کہ یہاں پہ آپ کوئی بھی رکشہ کھڑا کر کے آپ سواریاں نہیں بٹھا سکتے میرے بھائی. بات ہے کیا, ہمیں جگہ نہیں ملتی. یہ دیکھو انہوں نے لگایا نا, انہوں نے یہ لگایا اڈا, وہ کافی نہیں ادھر کھڑے ہونے دیتے. آپ کے کہنے پہ ہم ان سے پوچھ رہے ہیں. ہاں ہاں سے کہنے کے. السلام علیکم. السلام علیکم سر, کیا حال ہے؟ اچھا یہ آپ کیا ہے؟ یہ سسٹم کا نہیں, یہ اندر مالک ہے. آپ یہاں پہ کھڑے کام کر؟ جی جی. تو آپ سے بات کر سکتا ہوں؟ کر لیں. یہ انکروچمنٹ میں ہے نا, تجاوز میں کھڑے ہیں نا. پتا نہیں وہ مالو کی پتا. آپ یہاں پہ کام کر رہے ہیں, آپ کو سمجھ بھول رہے ہیں نا کہ آپ یہاں پہ کام کر رہے ہیں, انکروچمنٹ ہے, اچھے برے کی تمیز ہے آپ. جی جی. لیکن آپ بتائیں تجاوزات نہیں ہیں؟ نہیں نہیں ہے تجاوزات. مطلب کہ یہ تجاوزات مطلب کہ آپ نے اپنے حق سے زیادہ کچھ چیزوں کو اس کو قابض ہوئے ہوئے ہیں. یہ جگہ جو ہے یہ عام عوام کے گزرنے کی جگہ, یہ سڑک ہے, آپ نے سڑک کے اوپر ٹھیلا لگایا ہوا, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تجاوزات ہیں. جی جی. ہم کرایہ دے رہے ہیں. کرایہ دے رہے ہیں؟ کس کو کرایہ دے رہے ہیں؟ کرایہ دکان کا. کس کو دے رہے ہیں؟ پیچھے بات کر رہا ہے. السلام علیکم سر, آپ کی یہ حکم کر رہے ہیں سر, یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ سڑک کے اوپر اور تجاوزات میں آ رہے ہیں؟ سارے لگے ہوئے, ہمارا اکیلے کا تو نہیں لگا. سارے لوگوں سے کے پاس سے ہو کر آ رہے ہیں. اچھا حکم کر رہے ہیں سر, یہ تجاوزات میں تجاوزات تو کوئی بھی نہیں ہے. آپ دکاندار ہیں؟ ہاں جی وہ دکان ہے ہماری. وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے کرایہ لیتے ہیں چیز. کون یہ وہ بچہ کہہ رہا ہے؟ بھائی جان ایک ہی چیز ہے ہماری سارے. ایک چیز لیکن سر آپ کی دکان کی حد تک ہے نا, آپ کی رجسٹری میں یہ شامل تو نہیں, نقشے میں شامل تو نہیں ہے نا. نہیں تو پھر یہاں پہ آپ لگا رہے ہیں, عام عوام کی سڑک پہ لگا رہے ہیں. فٹ پاتھ یہاں پہ نظر نہیں آ رہا, فٹ پاتھ سے بھی آپ آگے لگا رہے ہیں تو یہ انکروچمنٹ میں آ رہا ہے. سارے ان سے کہیں نا کلیئر ہو جائے گا سارا. بھی آپ پہلے ہوا نا کلیئر؟ پہلے کلیئر ہوا نا؟ ہر بار ہو جاتا ہے جناب. کلیئر ہوا نا لیکن ہم کر رہے ہیں
कसूर किसका है? हमारा कसूर है ना, आपकी वजह से। आपके यहाँ रिक्शे वाले कह रहे हैं कि हमें रिक्शा पीछे नहीं लगाने देते, हालांकि रिक्शे वाले का यहाँ पे हक तो नहीं है ना कि वो यहाँ पे खड़ा करके रिक्शा सवारियाँ बिठाए कुछ भी है, लेकिन आगे आप देखें इस गाड़ी गुजरने के लिए जगह नहीं। कौन जिम्मेदार है? भाई जान जिम्मेदार हम सभी हैं, सारे ही हैं। हम सब क्यों है भाई, आम आवाम क्यों जिम्मेदार है? भाई अभी गाड़ी आ रही है, गाड़ी पार करके चले जाएगी, उससे रास्ता नहीं रुकेगा। गाड़ी वाले का भी कसूर है, पीछे पार्किंग तो इसी तरह चल रहा है ना। यहाँ पे जब वार्डन आ जाएगा सर, आप अपनी बात यार, मैं अपनी बात क्या करूँ आपसे, सारे लगे हुए, मेरा अकेले का लगा हुआ है। बात कर रहा हूँ, मैंने उनसे भी बात किया, मेरे साथ चले, मैं आपके पूरे परिवार की बात सुनता हूँ। ठीक है, आपने गलत किया। ठीक है यार, मैं जब कह रहा हूँ ना, आप गलत है। हाँ गलत है, ठीक है ना, सुन ले, खुद कह रहे वो गलत है। देख ले नाजी, इंक्रोचमेंट है, बदमाशी है, अपने हक से तजावज यहाँ पे लोग करके खड़े हुए हैं, लेकिन क्या है, बात करने पे बदमाशी है, तलखी है। ये है नया पाकिस्तान। इमरान खान साहब एक मरतबा फिर, वेयर इज योर इंक्रोचमेंट ऑपरेशन? ये है ऑपरेशन। हम आगे चलेंगे, बाकी लोगों से बात करेंगे, वो इस बारे में क्या करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये गाड़ी आपकी है? हाँ जी। अच्छा, आपको पता आपने गलत जगह पर पार्क की हुई है, आपकी वजह से काफ़ी लोग सफ़र हो रहे हैं। ऐसी बात फिर लगी हुई थी, हमने भी लगा दी। नहीं तो ये तो गलत है ना, कोई गलत कर रहा है तो आप भी गलत कर रहे हैं। भाई सोच रहा तो सही चाहिए। चलिए, अभी आपकी वजह से यहाँ पे काफ़ी लोग सफ़र हो रहे हैं, तो उसको थोड़ा सा आगे पीछे कर। दूसरी भी लगी थी अब? बिल्कुल लगी हुई है, लगी हुई है, लेकिन ये तो उसका मतलब ये तो नहीं कि हम भी करें। चलो यार कर लेते हैं, क्या हो गया, कोई बात कर लेंगे तो सारी आपका भी इसमें फ़ायदा, हमारा भी फ़ायदा, हम आपका फ़ायदा, जो लोग सफ़र हो रहे हैं वो इस चीज़ से बच जाएंगे। ठीक हो करेंगे सर, अभी आप हमारे सामने करते तो सर ज़्यादा बेहतर। अभी कर ले। नहीं सर, आप हमारे सामने करते तो ज़्यादा बेहतर। ठीक है, वो आने दें, हम कर लेते हैं। फिर वो तो फिर आपका पूरा मिशन हो गया ना कि आपने काम करके जाना है। ये देखिए, अभी आपके सामने गाड़ियाँ गुजर रही हैं, यहाँ पे दो गाड़ियाँ एक बाइक कट्ठी नहीं गुजर सकती। ऐसे है ना सर? ऐसे ही है। गलत किया ना हमने? हमने गलत किया है। शर्मिंदा सर थोड़ा? नहीं शर्मिंदा नहीं है आप? नहीं है। क्यों नहीं है शर्मिंदा? जब दूसरे भी आते तो आपकी मतलब ये कि कोई डकैती करे, कोई चोरी करे, हमने वही काम करना है। ऐसे नाशिर को हम चोर तो नहीं ना कह सकते, हम किसी को गंदा भला बुरा भला नहीं कह सकते, ठीक है ना? क्योंकि जी वो गंदा तो हम भी गंदे, ऐसे तो नहीं ना होता। जो चीज़ अगर हम एक गलती कर रहे हैं तो उसको मानना चाहिए, ना कि उसमें डट जाए। मान ली, ठीक है। थोड़ा सा शर्मिंदा है, थोड़ा सा है, थोड़ा सा, चलो इतना काफ़ी कि आप थोड़ा सा शर्मिंदा है। ओके सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। प्यारे भाई का क्या नाम है? शुभाष। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप इस वक्त कहाँ पे खड़े हैं? सड़क के दरमियान में खड़े हुए? बिल्कुल ऐसा ही है। गलत कर रहे हैं ना? बिल्कुल गलत कर रहा हूँ, मैं मान रहा हूँ ऐसा ही है। क्यों खड़े हुए? वो आए थे तो इधर ही खड़े हो गए हैं। तो यहाँ पे पीछे पार्किंग भी है जना, पार्किंग, लेकिन हम थोड़ी देर के लिए खड़े थे। आप जैसे ही ना काफी लोग थोड़ी देर के लिए खड़े हुए हैं, और फिर मिल मिला के बनता पता क्या है, इंक्रोचमेंट, तजावुज। लेकिन हमारी वजह से लोग, हमारी वजह से यहाँ फिर एक्सीडेंट्स होते हैं। मेरी हमारे जैसे भाई कर रहा हूँ। अच्छी बात है, आप तस्लीम कर रहे हैं। अब थोड़ा सा साइड पे कर, शुक्रिया। अभी हमारे सामने? नहीं नहीं नहीं, आपके साथ। अभी अच्छी बात है कि वो इस चीज़ को मान लें अपनी गलती को, और उसको सुधारने की भी कोशिश कर रहे हैं। अभी आपके सामने पीछे गाड़ी जो है वो गलत पार्क की थी, और हमारे कहने पर वो गाड़ी जो है वो आपके सामने पार्क कर रहे हैं। हम इस नौजवान को अप्रिशिएट करते हैं कि उसने हमारे कहने पर, हमारी निशानदही पर जो है वो ये गाड़ी जो है अपनी सही जगह पे पार्क करने की कोशिश की है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर? ठीक है, बड़ी मेहरबानी। अच्छा, ये आपका है सर? हाँ जी। अच्छा, आपको पता है सर कि ये इंक्रोचमेंट में आ रहे हैं, सड़क के ऊपर हमने लगाया हुआ है, आपकी वजह से यहाँ पे कोई लोग तंग होंगे, यहाँ पे ट्रैफिक के मसाइल होंगे, तो थोड़ा सा हम इसको थोड़ा सा पीछे कर लें। ठीक है, कर लेंगे, कर लेंगे सर, बड़ी मेहरबानी। ये होता है नाजिन, कुछ लोग यहाँ पे जो मिले हमें, ऐसे भी लोग मिले हैं जिन्होंने बड़े ही प्यार के साथ कहा कि हम इसको पीछे कर लेते हैं, और अभी मेरा ख्याल वो करेंगे भी। सर आप करेंगे? अभी हमारे सामने कर ले सर, गड्डियाँ होने निकल जानी। चले जी, पीछे गाड़ी है, गाड़ी निकलती है तो उनका कहना है कि वो यहाँ से ज़रूर आगे पीछे इसको ज़रूर करेंगे, और आम आवाम को सफ़र होने से ज़रूर बचाएंगे। मैं लोगों को अप्रिशिएट करूँगा जो हमारी बात मान रहे हैं, और हम भी अपनी किसी हद तक जिम्मेदारी जो हमारी है वो पूरी कर रहे हैं। अच्छा, आपको पता आपने गलत जगह पे पार्क की हुई है, आपकी वजह से काफ़ी लोग सफ़र हो रहे हैं। लगी हुई थी, हमने भी लगा दी। सर
ہو کی ہے کہ بالکل سامنے این ایسے انکروچمنٹ کی جیسے کہ کوئی پہاڑ لا کے کھڑا کیا ہو کسی نے. ایک پولیس افسر وہ انکروچمنٹ خالی کرا, آپ ایز اے انچارج چوکی آپ خالی اپنے 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 ٹھیک ہے جی. پہلے آپ اپنا کہہ رہا ہوں دیکھ رہا ہوں ٹھیک ہے نا, کروائیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ ان کے سب کو. پاکستان عمران خان صاحب ایک مرتبہ پھر ویئر از یور انکروچمنٹ آپریشن, یہ ہے آپریشن. السلام علیکم سر, کیا حال ہے سر؟ الحمدللہ یہ سر ٹھیک ہے؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. اچھا سر آپ کو پتا کہ آپ یہاں پہ سڑک کے درمیان میں کھڑے ہوئے ہیں؟ جی جی بالکل. غلط پارک کیوں ہے بھائی؟ سر ہماری وجہ سے یہاں پہ کافی ایکسیڈنٹس ہو جاتے ہیں ہمارے جانے انجانے میں. بالکل بالکل ایسے ہی سر, اب بہتر نہیں ہے کہ ہم تھوڑا سا آگے کر لیں؟ بالکل ایسی بات ہے یار, لیکن ہمارے پاس آپ دیکھو کوئی جگہ نہیں ہے ایسی. پیچھے جناب ایک بندہ یہاں پر باؤنڈ ہو کے بیٹھا ہوا ہے, یہ بھی تو بات ہے. مطلب غلط تو ہے لیکن کوئی الٹرنیٹر, کوئی سلوشن ہو, کوئی یہاں کے کوئی ایسے دیا ہو کہ ہاں وہاں پر کریں. کون کھڑا ہوتا ہے دھوپ کے اندر ایسے کوئی کھڑا ہوتا ہے؟ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے, لیکن سر پیچھے جناب پارکنگ موجود ہے, وہاں پہ بھی آپ گاڑی پارک کر سکتے ہیں اور تھوڑا سا چند قدم کی مسافت پہ یہاں پہ آپ کو مارکیٹ. چلیں ٹھیک ہے سر, ابھی تھوڑا سا آپ اس کو سائڈ پہ کر لیں تاکہ عام عوام جو ہے نا وہ سفر نہ. چلیے سر بہت شکریہ, آپ کو اپریشیٹ کرتے اس کا. ناظرین ایسے لوگ بھی ہمارے معاشرے کا حصہ ہی ہیں جو ذرا سی ان کو نشاندہی پر وہ اپنی غلطی مانتے ہیں اور پھر جو ہے اپنی غلطی سدھار بھی لیتے ہیں. ہم ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں, انہوں نے گاڑی تھوڑی سی آگے کیا. سر بہت شکریہ سر آپ کا. السلام علیکم سر, کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام نوید. نوید صاحب آپ کو پتا ہے آپ کی ریڈی غلط جگہ پہ کھڑی ہے؟ جی سر. سر اس کو تھوڑا سا سائڈ پہ کر لیں تاکہ عام عوام نہ پوچھ سکے, گاڑی آپ کی وجہ سے کھڑی ہوئی. اچھی بات ہے ناظرین کہ یہاں پہ جن کو ہم کہہ رہے ہیں وہاں پہ جو ہے اپنا آپ غلطی سدھار رہے ہیں, صحیح جگہ پہ اس کو لگا رہے ہیں. ابھی بھی یہاں پہ ریڈی جو ان کی ہیں وہ ٹھیک جگہ پہ تو نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ جہاں پہ انہوں نے پہلے کھڑی کی ہوئی تھی اس سے قدرے اچھی جگہ پر یہاں پہ موجود ہے, جس سے عام عوام کو تھوڑی سی مشکلات کم ہو گئی. آگے چلتے ہیں, آگے بات کرتے ہیں جو ایسے کر رہے ہیں ان سے بھی بات کرتے ہیں جو ایسے کیوں کر رہے ہیں. السلام علیکم سر, کیا نام ہے؟ میں تو بھائی جا رہا ہوں ادھر سے. کدھر جا رہا ہوں؟ کیا کہنا ہے مجھے؟ سر آپ نے ریڈی یہاں پہ لگائی, وہ جگہ ٹھیک نہیں ہے, ہمیں صرف آپ کو یہ کہنا ہے کہ تھوڑا سا سائڈ کر. بہت سائڈ کر, بہت شکریہ سر. ارے سنیں یہاں پہ آپ کی جگہ جہاں پہ آپ فرض کر انہوں نے ریڈی لگائی, سر ریڈی نہیں لگانے دیتے؟ نہیں لگانے دیتے ہیں تو پھر سر لگائے نا. لیکن ناظرین آپ بھی دیکھ سکتے ہیں پیچھے گاڑی بھی تھی, گاڑی صرف ان لوگوں کی وجہ سے سفر ہو رہی تھی. اب گاڑی یہاں پہ آپ کے سامنے سے بالکل ایزیلی گزرے گی, یہاں پہ رکشے والا موجود ہے, لیکن اب دیکھ سکتے ہیں اس رکشے والے کی وجہ سے یہاں پہ گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں. ہم سے ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں, آخر کیوں وہاں پہ رکشہ کھڑا ہوا. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر, آپ کے سامنے آپ کی وجہ سے دیکھ لیں کتنے لوگ سفر ہو رہے ہیں گاڑی. سر میں نکلنے کے لیے دیکھ رہا ہوں, ریڑھی آگے کھڑی ہوئی, میں کیا کروں؟ ریڑھی کھڑی ہے, ریڑھی کی وجہ ہے. چلیں جی. السلام علیکم. وعلیکم ارسلان ہے میرا نام. اچھا ارسلان صاحب, میرا نام بھی ارسلان ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں آپ کی ریڑھی کی وجہ سے دیکھ لیں ایک دو تین چار چیزیں سفر ہو رہی ہیں, تو اس کو تھوڑا سا آگے کریں. اچھا چلیں کدھر کریں آگے. ناظرین ابھی آپ کے سامنے وہ بھائی کو ہم نے کہا وہ جا چکے ہیں یہاں سے, ان کی وجہ سے ابھی یہ راستہ خالی ہو چکا ہے. اور یہاں پہ سب سے بڑی مین چیز یہ ہے کہ آپ کے سامنے پولیس چوکی ہے یہاں پہ, ٹھیک ہے؟ یہ پولیس چوکی کے سامنے انکروچمنٹ کے یہ حالات ہیں, تو عام آدمی عام شاہراہ پر کیسے یہ توقع کر سکتا ہے کہ اس کو کھلے عام رستے مل جائیں گے؟ یہ پولیس چوکی ہے, لیکن پولیس چوکی کے سامنے بھی انکروچمنٹ ہے. لیکن اذان ہو رہی ہے, اذان کے بعد کوشش کریں گے کہ ہماری بات ہو جائے ان پولیس افسران سے, تو اس بارے میں کیا کریں. اذان کے لیے رک رہے ہیں. اچھا ناظرین اس وقت پولیس چوکی کے سامنے ہم موجود ہیں اور یہاں سے ہم نے ابھی انکروچمنٹس جو ہیں یہاں سے خالی کروائی ہیں, ریڑھیاں آگے لے کے گئے ہیں لوگ ہمارے سے کہنے پر, ہماری نشاندہی پر. اب پولیس افسران سے بھی بات کرتے ہیں کہ وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں. السلام علیکم. کیا نام ہے سر آپ کا؟ اچھا مشتاق صاحب, پولیس چوکی ہے, ٹھیک ہے؟ پولیس چوکی کے بالکل سامنے انکروچمنٹ کے امبار لگے ہوئے ہیں. چلیں صاحب جی, انچارج بلا رہے ہیں. انچارج صاحب اندر سے تشریف لا رہے ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. چلیں جی ہم کھڑے ہیں,
चौकी के सामने बिल्कुल खड़े हैं, वो कह रहे हैं कि जी अंदर वॉशरूम गए हैं, इंतज़ार कर रहे हैं उनके आने का। पे इंचार्ज हैं अफजाल साहब, वो यहाँ पे तशरीफ ला चुके हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि वो इस बारे में क्या कहते हैं, इंक्रोचमेंट्स के बारे में वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है सर? ठीक ठाक है। अच्छा सर, पुलिस चौकी है, चौक के बिल्कुल सामने एन ऐसे इंक्रोचमेंट थी जैसे कि कोई पहाड़ ला के खड़ा किया हो किसने, अभी इंक्रोचमेंट हमने रिक्वेस्ट की है, वो यहाँ से आगे पीछे हुए हैं। तो सर मेरा ख्याल है कि एक पुलिस अफसर का ये भी फ़र्ज़ है कि वो इंक्रोचमेंट को भी देखे, इंक्रोचमेंट को भी खाली कराए, बाकी इदारे ज़रूर बने हुए उनके लिए, लेकिन पहला जो काम होता है वो पुलिस का होता है कि इंक्रोचमेंट को वो खाली करवाए। तो सर मेरा नहीं ख्याल कि आपने यहाँ पर इसको महकमे का लहदा बना हुआ है, ठीक है ना, उनके काम उनके साथ मिल के हम करते हैं। ठीक है सर, एक पुलिस अफसर वो इंक्रोचमेंट खाली करवा, आप एज आ इंचार्ज चौकी, आप खाली अपनी अपने अपनी चौकी, आज मेरी पोस्टिंग हुई है पहला दिन है मेरा, ठीक है जी, पहले मैं इस अपना कह रहा हूँ देख रहा हूँ, ठीक है ना, करवाएंगे इंशाल्लाह ताला इनको सब कुछ, पीछे पीछे आते गरीब लोग हैं, लगाई है लेडी, चलिए सर क्योंकि इसमें मंडी है, इसमें हमारा ही फायदा सर, आम आवाम इससे सफ़र हो रही है, यहाँ पे गाड़ियाँ ब्लॉक हो रही हैं, हमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो सर आपका बहुत शुक्रिया आपके टाइम का सर, और हम अप्रिशिएट करेंगे अगर ये काम आप करेंगे। चलो शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। अच्छा यहाँ पे जो इंक्रोचमेंट हो रही है, यहाँ पे तजावजात और ये गाड़ियाँ गलत पार्क की जा रही है, जिससे आम आवाम को काफ़ी मुश्किल में सफ़र होना पड़ता है। आवाम को सर जी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है, ठीक है ना, ये गवर्नमेंट कई दफ़ा एक्शन ले चुकी है लेकिन वो आते हैं फिर भाग जाते हैं। अच्छा, जो इमरान खान ने एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन किया था जिसमें तजावजात में हटाया गया था, जिसमें लोगों के घरों को भी मस्मार किया गया, इवन के यहाँ तक कब्रिस्तान को तक उन्होंने छोड़ा गया कि वो जो है वो सरकारी अराजी पर, लेकिन अभी आप देख सकते हैं वैसी ही सर जी मैं क्या आप कहते हैं कि ये इमरान खान साहब का जो पहला ऑपरेशन था वो सिर्फ दावों की हद तक ही रह गया। मैं यही बात आपसे करना चाहता था कि शुरू में जैसे फर्स्ट टाइम आया ना, सिर्फ उसने लोगों के इत्माद भी लिया, दिखाया कि मैं अच्छे काम कर रहा हूँ, लेकिन उन्होंने कुछ माँ ही किया है, कुछ माँ ही, ठीक है ना, उसके बाद वही बात हो गई जैसे हम कहते थे ना कि नवाज शरीफ हो गया, जरदारी हो गया, ठीक है ना, ये भी उनमें अब शामिल हो रहा है तकरीबन, ठीक है ना, वही काम देख लो, वही परेशानियाँ, वही सब कुछ हैं, कोई मैं कोई वो इतना नहीं हुआ। हालांकि यहाँ पे पार्किंग जगह गवर्नमेंट स्कोर भी बहुत बड़ा है, गवर्नमेंट का पार्किंग मौजूद है, मौजूद है, ये जनाह मार्केट है, इसमें कोई 500 दुकानें हैं, नजेह दुकानें सारी हैं, ठीक है ना, यहाँ पे पार्किंग बहुत बड़ी बन सकती है अगर गवर्नमेंट चाहे तो, गवर्नमेंट चाहे तो पार्किंग बन सकती है, पीछे पार्किंग मौजूद भी है, लेकिन पार्किंग जो है वो यहाँ पे गाड़ियाँ भी यहाँ पे पार्क हो रही हैं, रिक्शा भी यहाँ पे पार्क हो रहे हैं, और इसके अलावा सबसे बड़ी और मेन वजह जो है कि यहाँ पे ठेला बांध और मुख्तलिफ किस्म के जो दूसरे लोग हैं वो यहाँ पे तजावजात किए हुए हैं, जिनको पहले गवर्नमेंट की तरफ से छुड़वाया गया है, अदारों की तरफ से यहाँ पे मस्मार भी किए गए, खड़े तोड़े गए, घर तोड़े गए, दुकानें तोड़ी गई, लेकिन अभी भी वैसे की वैसी है, और आवाम सवाल कर रही है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, इमरान खान साहब से, कि क्या ये तब्दीली सिर्फ और सिर्फ दो चार माह की तब्दीली थी, ऐसा ही है, आप आवाम से पूछते हैं। अच्छा मुझे ये बताएं कि यहाँ पे जो पार्किंग है, जी जी, पार्किंग की फीस है? यहाँ पे कोई फीस नहीं है, ठीक है, बिल्कुल ओपन है, ओपन है, ओपन है, यहाँ पे जिसका दिल, वजह क्या है कि यहाँ पे लोग क्यों पार्क करते हैं? यहाँ पे पार्किंग की सर जी यही बात है कि जगह नहीं है, ठीक है, पार्किंग अगर जगह हो तो एक कस्टमर जो है ना वहाँ एक लगाए गाड़ी, ठीक है, अपनी गाड़ी लगाए, मोटरसाइकिल लगाए, चलें जी, आवाम को भी चाहिए कि पार्किंग में गाड़ी खड़ी करें, आम आवाम को उनकी तरह से जो मसाइल पेश आते हैं उनसे बचाया जाए। तो नाज़रीन आपको टाउनशिप मार्केट के हालात दिखाए, किस तरह से वहाँ पे तजावजात की भरमार है, और वहाँ पे लोग वैसे ही सफ़र हो रहे हैं जैसे एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन से पहले लोग सफ़र हो रहे थे। आवाम को ट्रैफिक के मसाइल दरपेश हैं, और इसके अलावा आपको बताते चलें कि कुछ लोगों से जब हमारी बात हुई, इंक्रोचमेंट करने वालों से हमारी बात हुई, तो कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने इनकार टीम की निशानदेही पर अपनी रेड़ियाँ और तजावजात को ख़त्म करने का वादा भी किया और उनको आगे पीछे करने का भी कहा, लेकिन कई लोग ऐसे भी हमें मिले जिन्होंने अपनी गलती मानने से भी इनकार किया और गलती मानकर उस पर डटे रहने और हठधर्मी और अफसोसनाक रवैया हमारे सामने पेश करके अपने गलत होने का भी सबूत हमें ज़रूर दिया। और पुलिस चौकी के भी आपको हालात दिखाए कि जिसके सामने इंक्रोचमेंट की भरमार थी, और हमने जब उनसे बात की पुलिस अफसरान से, तो उन्होंने ये कहा कि इंक्रोचमेंट को डील करना पुलिस का काम ही नहीं है। हालांकि देखा जाए तो पुलिस का भी ये काम बनता है, वो इंक्रोचमेंट को देखें, इंक्रोचमेंट को डील करें, और जो इंक्रोचमेंट कर रहे हैं
ہیں ان کو ضرور منع کریں. اور دیکھا جائے کہ ان کی چوکی کے سامنے انکروچمنٹ تھی جہاں پہ پولیس موبائل کو نکلنے کا راستہ نہیں تھا. انکار ٹیم کی نشاندہی پر وہ ایریا خالی بھی کروایا گیا اور پولیس چوکی کے سامنے سے جگہ خالی بھی کروائی گئی, لیکن پولیس نے اپنا کوئی خاطر خواہ کام وہاں پر نہیں کیا. اور یہاں پہ میں مخاطب ہونا چاہوں گا عمران خان صاحب سے کہ یہ تھا ٹاؤن شپ لاہور کا ایک چھوٹا سا ایریا, لیکن لاہور کے کئی علاقے ابھی بھی موجود ہیں جہاں پہ انکروچمنٹ ہو گئی ہے, جہاں پہ اینٹی انکروچمنٹ آپریشن کی ابھی ضرورت ہے. اینٹی انکروچمنٹ آپریشن اگر جاری رہے گا تو ہی احتجاجات ختم ہو سکیں گی. اس کے علاوہ پھر وہی ہوگا جو آج آپ کو دکھایا ہے. اسی بات کے ساتھ اپنے میزبان ارسلان حیدر ارڑ کو دیجیے اجازت. اللہ کے بعد